खुशखबरी दी है। सीएम ने किसानों को संबल के तौर पर मिलने वाली राशि में बड़ा इजाफा किया है। किसान संबल निधि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिया गया है। किसानों के लिए भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान, किसान संबल निधि में 2,000 रुपए का इजाफा, 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए हुई किसान संबल निधि। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने किसानों की समस्याओं को समझते हुए सम्मान निधि को बढ़ा दिया है, जहां किसानों को पूर्व में मिल रही संबल राशि रुपए को बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिया है। इसकी जानकारी खुद सीएमओ से साझा की गई है। सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि किसानों को संबल देने के लिए राज्य में सम्मान निधि की राशि 2,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दी गई है। तो जो भी है सरकार की तरफ से अच्छा है, किसी छोटे किसान को फायदा होता है तो उसको 12 महीने का खर्चा तो निकलता है। अगर सरकार चाहती है किसान का सम्मान करने का, तो किसान को बीज चाहिए ओरिजिनल, खाद ओरिजिनल चाहिए, टाइम पे पानी चाहिए, अच्छे भाव चाहिए, तो किसान का सम्मान तो तभी होगा जब उसको उचित सम्मान मिलेगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्यकाल से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा गया कि किसान को संबल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं। ऐसे ही किसानों को संबल देने के लिए राज्य में सम्मान निधि की राशि 2,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दी गई है। उन्होंने जो ये पैसा बढ़ाया 6,000 से 8,000 रुपए, तो जो भी इसके लेने वाले हैं अधिकार में आते हैं तो उनको बहुत कुछ ज्यादा मिलेगी। और मैं तो साथ में यही कहूँगा भविष्य में भी किसानों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाए। बहुत अच्छी खुशी की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों के लिए किया है, और हम तो यही कहेंगे तो आगे भी किसानों के लिए कुछ करें, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। राजस्थान में बजट पेश होने से पहले ही किसानों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। हालांकि सरकार के इस फैसले को राजनीति के जानकार पंचायत और निकाय चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। भरतपुर राज परिवार में पुश्तैनी जायदाद को लेकर चल रहा